अब यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी, मेरे को टीममेट के ऊपर भरोसा ना करते हुए मेरे को स्पॉन में पीछे चले जाना था पहले ही, ताकि मेरे को स्पॉन वहां पर मिले, लेकिन मैं आगे ही खड़ा हुआ था, टीममेट का भी कोई भी बंदा पीछे की तरफ नहीं था, इसलिए मैं ऑपोजिट साइड स्पॉन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, विनिंग 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी गेम। एक गेम हार जाओगे चलो ठीक है, मैं तो गेम प्ले के लिए खेल रहा था, दूसरा गेम हार जाओगे चलो यार कोई बात नहीं मैं तो मजे के लिए खेलता हूँ, तीसरा गेम हारोगे, चौथा गेम हारोगे, पांचवा गेम हारोगे, छठा गेम हारोगे, भाई दिमाग का ना दही हो जाता है, मेरा ही नहीं किसी का भी हो जाएगा और किसी भी गेम में हो जाएगा। तो हार्ड पॉइंट के अंदर खेलना कैसे है, जीतना कैसे है, ये मैं अब सीरीज शुरू करने वाला हूँ, और उसका पहला वीडियो ये रहा समिट मैप के अंदर सीजन 10 की टॉप 5 गन में से एक गन CBR और उसका गेम प्ले। सारी चीजें बीच बीच में बताता रहूंगा, ध्यान से सुनना। तो भाई समिट मैप के अंदर मैं अपनी CBR से खेल रहा था और सोलो ही खेल रहा था, ज्यादा मतलब अपनी टीम के साथ नहीं खेल रहा था, सोलो रैंक मैच खेल रहा था। गेम स्टार्ट होता है, हम अपने बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर के ऊपर भागने शुरू करते हैं, ट्रॉफी डाली, हेवन टॉप पे बंदा दिखा, उसको किल किया, थोड़ी देर के लिए हेवन टॉप पे कंट्रोल, नीचे बंदा मारा अपने स्टीपोर से, फिर देखा कि बंदे कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो मैं कैप्चर करने के लिए नीचे कूद पड़ा, लेकिन मैं मर गया जब तक मेरा बंदे भी वहां पर कैप्चर कर रहे थे। दोबारा से अभी मैं हेवन टॉप के आसपास ही घूमता रहूंगा, जैसे ही देखा कि ओपोनेंट कैप्चर कर रहे हैं कंटेस्टेड करने के लिए चला गया ताकि उनको पॉइंट्स ना जाएं। लोगों को ट्रैक करो कहां से आ रहे हैं कहां से नहीं आ रहे हैं, जैसे मुझे बंदा दिखा उसको मार दिया, दो बंदे नीचे कूदे, एक को मारा दूसरे को भी मारा, पॉइंट अपना फिर से। अभी यहां पर नॉर्मल चलता रहेगा, इस तरीके से हम अपना पॉइंट कैप्चर करके चलेंगे। कैरेक्टर की तरफ से मैं रोटेट करना स्टार्ट करता हूं। अब यहां पर मेरे को क्या करना था, मेरे हार्ट गोलियां खत्म हो गई थी, मैंने उसकी गन भी उठा ली। सही टाइम पर आप गन उठा लो, जब आपकी दो तीन चार मैग खत्म हो गए तो गन उठा लो दूसरी। हमने ग्रीन स्पॉन अपना ले लिया। यहां पर एक छोटी सी टिप है, टिप क्या है, अभी देखो नया हार्ड पॉइंट शुरू हो चुका है लेकिन मैंने रोटेशन आखिरी के 10 सेकंड में लेना शुरू कर दी थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि वो पास में ही हार्ड पॉइंट, तो मैं 10 मिनट में अपना रोटेट करके वहां पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी चीज, आपके टीम में जो भी लोग हैं वो कैप्चर करें चाहे ना करें, आपको कैप्चर करना है जीतने के लिए, ये दिमाग में रखो और ऐसा गेम प्ले दिखाओ कि वो लोग भी कैप्चर करने के लिए मजबूर हो जाए। सेकेंड हार्ड पॉइंट स्टार्ट करना, दो बंदे मारे मैं मर गया यहाँ पर, भाई ज्यादा सपोर्ट तो चाहिए चाहिए, मेरी यहाँ पर सारी स्पोर्ट्स फिक्स आ जाती हैं, मैं तुरंत लगा देता हूँ यूएवी, एडवांस यूएवी खोल दिया, सॉन्ग्स खोल दिए और फिर मैं हार्ड पॉइंट में पहुंच गया। अब आप ये चीज देखना, मैं हार्ड पॉइंट के आसपास ही घूम रहा हूँ ताकि अगर हार्ड पॉइंट खाली हो तो मैं तुरंत कैप्चर कर सकूँ। ऊपर मेरे को साउंड भी आ रहा है, बंदा कूदा तुरंत हेडशॉट पे गया। अच्छा, मेरे गेम प्ले के अंदर हिप फायर और ADS दोनों का बराबर का योगदान रहता है। क्लोज रेंज में मैं सबसे पहले हिप फायर ही चलाता हूँ ताकि मेरे को तुरंत किल मिले। अब यहाँ पर बचे थे 10 सेकंड, तुरंत मैं नेक्स्ट पे जाकर के अपनी पोजीशन ले ली। एक बंदे की गोलियों की आवाज सुनी थी, तुरंत उसको मार दिया, दूसरा वाला मेरे को चटका देता है। अब यहाँ पर गलती क्या हुई, अब यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी, मेरे को टीममेट के ऊपर भरोसा ना करते हुए मेरे को स्पॉन में पीछे चले जाना था पहले ही ताकि मेरे को स्पॉन वहां पर मिले, लेकिन मैं आगे ही खड़ा हुआ था, टीममेट का भी कोई भी बंदा पीछे की तरफ नहीं था, इसलिए मैं ऑपोजिट साइड स्पॉन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो किससे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने चलना स्टार्ट किया फिर से, उन्होंने शील्ड लगा रखा है, एक बंदे को मार दिया। इसमें एक चीज और होती है, लोग क्या करते हैं, जितने भी मैंने देखे हैं वीडियोस, बहुत सारे लोग जो 12-15 की MS वाले या फिर iPad वाले या फिर अच्छे डिवाइस वाले या फिर कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स जब रैंक मैच खेलते हैं तो वो लोग ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से मैं ना मर जाऊं, मैं जिंदा रहूं और बाहर बाहर से बंदों को मारना स्टार्ट कर दूं। अब उससे क्या होता है ना, एक तो आपको पॉइंट नहीं मिलता, अगर अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको मार देगा, ठीक है, अगर आप बाहर बाहर से मारते रहोगे तो उसके बाद एडवांटेज है, वो आपको मार देगा। मेरा खेलने का तरीका क्या है, मैं उसको कंटेस्टेड करने का ट्राई करता हूं।
अगर दो तीन बंदे भी अंदर हैं तो अगर आप कंटेस्टेड करोगे ना तो आपकी जो बाकी के टीममेट वाले बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई हमारा एक बंदा अंदर है हमें भी रश करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर बार से खेलते रहोगे तो बाकियों की भी फट जाएगी, भाई उनकी तो पूरी टीम अंदर है तो हम रश नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कंटेस्टेड करने का ट्राई करता हूँ और अपनी टीम वालों को भी बोलता हूँ कि फोर्स करो, कंटेस्टेड करो, घुसते रहो उस टाइम पर सिचुएशन, क्योंकि रैंक मैच एक कॉम्पिटेटिव नहीं है, यहाँ पर कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको खुद ही हमेशा एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा अपने टीममेट से, तभी वो आपका सपोर्ट करेंगे, जैसा इस मैच के अंदर हो रहा था। तो मैं कंटेस्टेड किया, एक बंदे को मारा, मर गया, इतनी देर में मेरा दूसरा बंदा वहां पर पहुंच जाता, मैं फिर जा रहा एक बार मरने के बाद 40 सेकंड, फिर एक मारा, फिर मैं मर गया। क्या मेरी टीम वाले भी देखना घुसना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग हार्ड पॉइंट के अंदर ट्राई कर रहे हैं, कंटेस्टेड वो भी करने का ट्राई कर रहे हैं। एक मारा, दूसरा मारा। अब यहां पर कंटेस्टेड करने से पता है फायदा क्या हुआ? आप लोगों को ये लग रहा हो ये तो बार बार जाकर के मर जा रहा है, नहीं, मैं अगर 3 या 4 सेकंड के लिए भी कंटेस्टेड कर रहा हूं ना हार्ड पॉइंट को, तो ये फायदा आपको एंड में देता है। एंड में कब? जब आपको एक एक सेकंड की जरूरत होती है कि हाँ भाई 1 सेकंड के लिए अगर हम हार्ड पॉइंट में पहले रुक जाते तो हम लोग जीत सकते थे। कंटेस्टेड करने का ये फायदा होता है ना, तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ना मेरा स्कोर बढ़ेगा, या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। अब हमारे बंदे यहाँ पर पहले से ही थे तो मैं नेक्स्ट पर आ गया, मुझे पता था मिड से बंदे आ रहे हैं, मिड वाले बंदों को मारा, लेकिन मैं मिड पर नहीं जाता, मिड से आने वाले को मारता हूँ और फिर वापस अपने स्पॉन की तरफ। इमीडिएट पॉइंट के अंदर घुस गए। अच्छा, पॉइंट के अंदर क्यों घुसना है भाई बार बार बाहर से मारो? पॉइंट के अंदर घुसने से फायदा यह होता है कि आपकी स्कोर स्ट्रीक्स जल्दी आती है। अगर आप पॉइंट के अंदर रहकर के बंदों को मार रहे हो तो आपकी स्कोर स्ट्रीक जल्दी आएगी, ठीक है? इसलिए मैं भी जाने का फायदा होता है जब आप सोलो खेल रहे हो। एक बंदा मारा, फिर मैं हेड ग्लिच पर आ गया। पॉइंट के अंदर घुसे, ट्रॉफी से भी बने, ट्रॉफी की प्लेसमेंट कभी कभी अच्छी हो जाती है कि ट्रॉफी से भी बनने मरते हैं। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बंदों के पास सामने की तरफ, इस सिचुएशन में मैं क्या कर रहा था, मैं हार्ड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा था, इधर से निकला अपने हार्ड पॉइंट के पास में ही है, बंदे को मारा, तुरंत अंदर घुस गए। लोग क्या करते हैं, हार्ड पॉइंट के बाहर जैसे ही बंदा आ रहा उसके पीछे भाग पड़ते हैं, एक को तो मार देते हैं लेकिन उसके पीछे जो दो तीन आ रहे होते हैं ना वो उसको पेल जाते हैं, तो वो लोग उसकी ट्रेड ले जाते हैं। ये गलती होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, कूद के तुरंत बाहर कि मैं कर लूं किसी तरीके से किल। अरे भाई आने दो बंदे को, अपने आप मरेगा अगर तुमने कैप्चर कर रखा है तो। देखा स्पॉन हमारे पास से एक बार भी हटा नहीं है इधर से, ट्रॉफी यूज कर रहा हूं, ट्रॉफी डाल रहा हूं, फ्रंट से बंदों की आवाज आई, सीपो मार दिया, स्लाइड करके इसको भी चटका दिया, एक बंदा टॉप पर होल्ड कर रहा था उसको भी मार दिया। अब मैं तुरंत फिर खुद से इनिशिएट लेकर के ऊपर होल्ड नहीं किया, मैं हार्ड पॉइंट के अंदर घुसा क्योंकि मेरे को बंदे नीचे दिख रहे थे ओपोनेंट के, अंदर घुसा ताकि मैं क्लियर कर सकूं और मेरे बंदे ऊपर रहे या फिर नीचे आए तो उन लोगों को बेनिफिट हो जाए कि यहाँ पे हार्ड पॉइंट हमको खाली मिला है। एक बंदा चटकाया, इसको मैं हिप फायर करने का ट्राई कर रहा था, मैंने गलती क्या कर दी, लॉन्ग रेंज पे भी हिप फायर मारना शुरू किया तो मैं मर गया वहां। कोई नहीं यार, सारे शॉट तो हम नहीं जीत सकते लेकिन आए जितना जीत सकते हैं। अब उन लोगों ने जैसे हार्ड पॉइंट ले रखा है लेफ्ट, एक चीज और छोटी छोटी चीज है, जैसे वो बंदे ने मेरे को मारा और मैं अगर उसके आसपास स्पॉन हुआ हूं तो मैं पहले मैं वो एरिया जाकर के चेक करता हूं कि वो वहां पर है कि नहीं है। वो वहीं पर था और मैंने उसको पहले नॉक डाउन किया फिर मैं हार्ड पॉइंट के अंदर गया, ये मैं हार्ड पॉइंट के अंदर गया और अपना C4 में अपना आराम से यूज कर रहा हूं। जो भी लीथल और टैक्टिकल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उसको ऐसी जगह पर मारो जहां से एनिमीज के आने के चांसेस होंगे। मैं जैसे कि मैं अपने C4 को ऐसी जगह पर फेंक रहा हूं जहां से एनिमीज की मुझे आवाज आती है या फिर जहां से उनके आने के चांसेस होंगे, प्लस मैं अपनी ट्रॉफी इसलिए डाल रहा हूं ताकि अंदर कोई उनका लीथल या फिर टैक्टिकल इक्विपमेंट ना आ पाए। चाहे आप थर्माइट यूज कर रहे हो, चाहे आप ग्रेनेड यूज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी लीथल यूज कर रहे हो, ऐसी जगह पर डालो जहां से एनिमीज के आने के चांसेस हो।
अब हार्ड पॉइंट के अंदर देखो, मैंने दो तीन बंदे मारे, मेरी तुरंत यूएवी खुल गई, बॉक्सिंग कर गया। फिर से हार्ड पॉइंट, सही टाइम पर यूएवी लगाई, मुक्केबाजी करनी चाहिए थी लेकिन कर नहीं पाया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, गलती से मेरे पास ट्रॉफी पहले ही गिर गई थी, लेकिन मैंने ट्रॉफी को उठा करके फिर से सही जगह पर डाला क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था। फिर से मैं वही चीज कर रहा हूँ, टॉप कंट्रोल, सीढ़ियों का कंट्रोल, हार्ड पॉइंट के आसपास खेलना। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना सीधे चले जाते हैं, जहां पर मैंने अभी दो बंदों को मारा था कनेक्टर पर, यहाँ पर मार के और सीधे निकल जाते हैं कई सारे लोग, कि वहां पर और बंदे आएंगे और मार लूं किसी तरीके से। लेकिन मैं अभी अपने हार्ड पॉइंट के आसपास ही खेल रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर हार्ड पॉइंट में कूद भी रहा हूँ और उनकी जैसी आवाज आ रही है वैसे उनको नॉकडाउन भी कर दे रहा हूँ। पर मेरी क्या गलती हुई, अगर मैं हार्ड पॉइंट के अंदर खड़े होकर के उन दोनों को मारता तो वो इजीली मेरे बंदे मर जाते, ओपोनेंट वाले दोनों इजीली मर जाते, अगर मैं आगे की तरफ रश नहीं कर रहा था, जो मैंने भी पहले बता दी, ये मेरी गलती थी। ये मेरी दूसरी गलती थी, हार्ड पॉइंट खाली होने के बावजूद मैं ऊपर जाकर के बंदों को मारने का ट्राई किया। हार्ड पॉइंट खाली था, मुझे हार्ड पॉइंट में ही घुसना चाहिए था क्योंकि हमें थोड़े से ही पॉइंट चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, टीममेट्स अंदर घुस करके हार्ड पॉइंट भी दिखवा। ये हार्ड पॉइंट में था, मारा बंदे को, ये नीचे था और ये खत्म। तो ओवरऑल गेम का सार यार इस तरीके का है कि आप गेम को ना गेम के तरीके टाइप के हिसाब से खेलो। हार्ड पॉइंट है तो हार्ड पॉइंट के अंदर आपको तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो गन फाइट अपनी जीतना है, ठीक है, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्किल भी कहते हो जो भी कहते हो। दूसरी चीज दिमाग से खेलना है, दिमाग से मतलब सही टाइम पर आपको रोटेशन मारनी है नेक्स्ट हार्ड पॉइंट के लिए। अगर आपको रोटेशन मारने के टाइम पर हार्ड पॉइंट की नेक्स्ट लोकेशन नहीं मिलेगी, ओपोनेंट वाले आपको पेलते रहेंगे कुत्तों की तरह और आप अपने टीममेट को गाली देते रहोगे। नहीं, आगे बढ़ के खुद से मारो सबको, तभी हार्ड रैंक के अंदर आप फॉलो में जीत सकते हो। तीसरी चीज, हार्ड पॉइंट को कैप्चर करो। कैप्चर करोगे किल्स मिलेंगे, स्कोर स्ट्रीक्स जल्दी खुलेंगी, ओपोनेंट की जल्दी फटेगी और आप मैच जीत जाओगे। स्कोरबोर्ड भी दिखा देते हैं आपको आगे जल्दी। ठीक है जी, 41 किल्स नागा सर के, ओपोनेंट में भी सब लोग ठीक ठाक खेल रहे थे, 18 18 14 16 7, मेरी टीम में भी 18 16 25 और 15। अब सारे के सारे मेडल मेरे को ही मिले क्योंकि मैं कैप्चर भी कर रहा था, मैं मार भी रहा था और मैं हार्ड पॉइंट के अंदर रह करके भी मार रहा था। ये तीन मेडल मिले हैं, ये देखिए, ये एग्जैक्टली स्कोर है। तो अब हम चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को भी इसी तरीके की नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे।